दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और चुनावी प्रचार में ट्विटर में जो नाम नेम चेंज का जुमला चल रहा है उसके बीच में कहीं आप लोग हमारे रोटी रोज़ी और हमारे ज़िंदगी का सवाल भूल तो नहीं गए हैं आज ही न्यूज़पेपर में एक खबर आई है और इस खबर के मुताबिक एनएसएसओ का जो दो हज़ार का एम्प्लॉयमेंट पे जो रिपोर्ट पब्लिश होने वाला था जिसको सरकार ने रोका उसी आंकड़े के मुताबिक 2017-18 में भारत में जो मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है मतलब जितने पुरुष नौकरियों में है उसका संख्या सिर्फ 28.6 करोड़ है और ये 2011-12 में ये संख्या संख्या था तीस दशमलव चार करोड़ मतलब लगभग दो करोड़ पुरुष नौकरियों से बाहर हो चुके हैं ये खबर आपको ट्विटर में हमारे सरकारी पार्टी के नेताओं के हैंडल में नहीं दिखेगा वो चाहते हैं कि अलग तरीके के जुमलों में ये चुनाव फंसा रहा है लेकिन इसी दौरान हम लोगों को ये पूछना है ये सवाल पूछना है कि 2014 के चुनाव के दौरान आपने हर साल दो करोड़ नई नौकरियां वादा वादा किया था और आज आंकड़ों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो एप्सल्यूट नंबर में रोजगार में जितने लोग हैं उनका संख्या घट गया है इससे पहले भी हमने देखा कि ये आंकड़े जब बाहर आ रहे थे 2017-18 के एनएसएसओ के रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट पे जब बाहर आ रहे थे जब वो फाइनल हो चुके थे तब सरकार ने उसको पब्लिश होने से रोका जिसके चलते नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन को इस्तीफा देना पड़ा लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद भी इन आंकड़ों को जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है क्योंकि अगर आंकड़े अपने लिए बोलने लगेंगे क्योंकि सच्चाई अपने लिए बोलने लगेंगे तो चुनावी जुमलों का क्या होगा तो नए जो झूठ बोले जा रहे हैं नए जो वादे किए जा रहे उसका क्या होगा इस दौरान हमने देखा कि 45 सालों में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोजगार का जो बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे ज्यादा 45 सालों में हाईएस्ट पहुंचा हमने देखा कि 60 से पैंसठ लाख सरकारी नौकरियों का पद अभी तक खाली पड़ा है चुनाव डिक्लेयर हो चुका है लेकिन उन पदों को भरा नहीं गया है हमने देखा कि नब्बे हजार रेलवे के पोस्ट के लिए ढाई करोड़ से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं लेकिन सरकार कहती है कि नौ नौकरी तो कोई नहीं चाह रहा है जॉब सिकर कोई नहीं है इंडिया में यूथ जॉब गिवर है तो दोस्तों हमारे हाथ में है कि हम उनको बताएं झूठे जुमलों में ट्विटर में नाम चेंज करने से क्या चुनाव का प्रचार वो चला सकते हैं या जो आंकड़े जो सच्चाई है उसके आधार पे हम बात करें आज का जो खबर है वो मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी ताकि इसके बारे में चुनाव के दौरान हम लोग बात करें वो यही है कि रोजगार में जितने पुरुष हिस्सेदारी करते हैं आंकड़ों के मुताबिक वो 2017-18 में बस 28.6 करोड़ लोग हैं जो 2011-12 के संख्या से काफ़ी कम है इस बात को ज़रूर चुनाव में ध्यान रखिएगा